नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं प्रतिभा संपन्न आचार्य रामानुज के जीवन दर्शन के बारे में। वेदांत दर्शन के सबसे प्रतिभा संपन्न आचार्यों में से एक रामानुज ने शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध अपने स्वतंत्र मत की स्थापना की, जो धर्म दर्शन में विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दार्शनिक दृष्टि से रामानुज का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने भक्ति रस को दार्शनिक रूप प्रदान किया। वैष्णव संतों के विश्वास को लेकर रामानुज उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और गीता के माध्यम से भक्ति मार्ग के सर्वाधिक लोकमान्य मत की स्थापना करते हैं। रामानुज के अनुसार चित्त, अचित और ईश्वर ये तीन तत्व हैं। इनमें चित्त जीव और अचित जगत है। यह दोनों सगुण ब्रह्म ईश्वर के विश्लेषण है और ईश्वर विशेष्य है। अतः चित और अचित विशेषणों से युक्त विशिष्ट अद्वितीय एकत्व ब्रह्म अथवा ईश्वर का प्रतिपादन करने के कारण उनके मत को विशिष्ट अद्वैतवाद कहा जाता है। रामानुज के दर्शन में ईश्वर की परिपूर्णता है, जिसके कारण उसकी सर्वव्यापी गतिविधि के क्षेत्र में स्वतंत्र आत्माओं का व्यक्तित्व अस्तित्व सदा बना रहता है। यह अस्थि की स्थिति ईश्वर के अस्तित्व में कभी विलीन नहीं होती। यह संकल्प से ऊंचे शिखर तक उठ सकता है, ईश्वर के समक्ष रहकर आनंद रस चख सकता है। यही वह शरीर के अंदर ही अधिकाधिक लिप्त रहकर नीचे दर्जे तक गिर सकता है। वह अपने ज्ञान में जीवन को भी खो सकता है और उस निरुद्देश्य पार्श्विक जीवन में पहुंच सकता है जो मनोवेगों तथा भूखों का जीवन है। रामानुज के विचारों का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि उनमें तीव्रतम दार्शनिक जिज्ञासा का भाव तो था ही, साथ ही धार्मिक आकांक्षाएं भी प्रबलतम थी। उनकी धार्मिक भावशीलता तथा ठोस दार्शनिक तर्क प्रवीणता ने धर्म तथा दर्शन के बीच की खाई को पाटने का जो प्रयास किया वह अनुपम है। उन्होंने दर्शन के इतिहास में एकेश्वरवाद का संस्करण दिया। कह सकते हैं कि रामानुज भक्ति मार्ग की यात्रा के आदिपथिक थे। इसी प्रकार की विशेष जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है।